हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा द स्कूल ऑफ आर्ट। शेप्स रिलेटेड वीडियोस हम लोग सीखते हैं, राइट। सो इस वीक हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स रिलेटेड कॉम्पोजिशन सीख रहे थे, राइट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग रैबिट का कॉम्पोजिशन करेंगे, राइट। रैबिट का जो प्रोसेस था याद होगा शायद आपको, यस ऐसा ही था, राइट। एक रैबिट कॉम्पोजिशन के लिए मिनिमम दो होने से अच्छा है, तो और एक रैबिट बना लेते हैं। ठीक है, और बाकी बनेगा अभी इसका कॉम्पोजिशन। इसको आउटलाइन कर लेते हैं स्केच पेन से। तो हम लोग पहले कान से शुरू करते हैं, और सामने में ये है तो इससे शुरू करना होगा पहले। तो एक बन गया है, अभी दूसरा का बारी। तो फार फार दे देते हैं बॉडी में। सीनरी के लिए इसका एक छोटा सा घर बना लेते हैं। डीएम टाइप का एक घर बना दिया। कुछ है खाना इसके अंदर, पता नहीं क्या है। अभी इरेज करना है, राइट, बिफोर पुटिंग कलर। सेम कलर ही इसमें आसमान में, हम लोग का फेवरेट ब्लू ही को देखते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ ऑरेंज, यहाँ पे ऑरेंज, राइट, यहाँ पे बॉडी कलर दे रहा हूँ। यहाँ पे आ रहा है ब्राउन, राइट। यह पे हो रहा है ब्लैक, ठीक है। इसका बॉडी में मैं दे दे रहा हूँ येलो। इसमें मैंने पुट किया ग्रे, राइट, इसमें ग्रे, राइट। अब इसमें तो पता ही है डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और येलो है। इसमें डार्क ग्रीन के ऊपर मैं दे रहा हूँ ग्रीन, राइट, उसके ऊपर मैं देता हूँ। तो यहाँ पे ग्रीन, उसके ऊपर आप येलो भी दे सकते हो, ग्रीन भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ऑकर येलो, राइट। जमीन का कलर भी हो जाएगा, मेरा काम भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मिक्सिंग, राइट। सीनरी या तो कॉम्पोजिशन हमेशा थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए, लाइव होना चाहिए, राइट। इसलिए थोड़ा सा चमकदार कलर देने से कैची होता है थोड़ा सा आंखों के लिए। कान पे थोड़ा सा पिंक, इस पे भी थोड़ा सा पिंक,
बॉडी में कोई सा भी कलर आपको जो अच्छा लगे, ब्लैक, येलो, वाइट, राइट, हर टाइप का होता है। तो मैं इसमें लाइट ब्लू ही दे रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा वाइटिश लगे। और आपको पता होना चाहिए वाइट का रिप्रेजेंटेशन राइट हमेशा ब्लू ही होता है। तो लाइट करके हल्का करके देके आप स्मैश कर दो। थोड़ा मैं स्मैश कर दे रहा हूँ कंटेनर में एक साइड से थोड़ा सा कलर राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये कॉम्पोजिशन विद रैबिट राइट इट्स डन। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, जितना हो सके प्रैक्टिस करना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।